यहाँ पे ही ऐसे का यही काम है, जली नहीं होना। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, ना हो भाई जलालत है बहुत। वो कह रहा था भाई टाइम की होया पुत्र, दोनों के घर जाना हो गया चाचा जी ताके। अच्छा मैं घर जाओ, तेरे घर जाना टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, के हाल है? तबीयत से ठीक है? तो यार अभी आज सुबह सुबह यार जा रहे जदा लस्सी के पास, और वहाँ पे शूट वगैरह भी करना है, और ये जो आप देख रहे हो हमें, ये आज कैमरे पे शूट कर रहे हैं। तो अभी ये मुआज हो गया, ये सब जो है ना उसामा हो गया, तो सब जा रहे हैं आज। मुझे पता तो कह रहे यार मैंने शूट करवाना है, थोड़ा सा अच्छा लुक का है। तो उसने कहा मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तो वो अभी कपड़े चेंज करने गया आतिफ भाई के साथ। तो अभी बस निकलने वाले, बहुत ज़्यादा रश है यार, यकीन करे कसम से। एक तो गलियां बहुत तंग है, और एक रश ऊपर से बहुत ज़्यादा है। मौज में ही मोटरसाइकिल चलाया, और चलो अभी आंसू आ रहे हैं मुझे, बाइक चला गया है। चलो कोई बात नहीं यार, ये हिम्मत है, इसके बाद आपको लस्सी पिलाएंगे, आप तरोताज़ा हो जाएंगे। यार अभी क्या मान रहा है यार, आप तो रश में खड़े हुए, अभी लाइन में खड़े हुए, ये लेने वाली है और ये टोकन लेने वाले हैं, वो उधर से लस्सी देंगे। मैं कह रहा हूँ लेने वाली है, सही अल्फाज यूज़ किया कर, और लस्सी लेने वाली है ना भाई। अच्छा अच्छा, तो यार रश बहुत ज़्यादा है यार कसम से भाई, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार रहा, मैं थोड़ा काला काला नहीं आ रहा कि वो ही ऐसा, यहाँ पे ही ऐसे यार। यार रश बहुत ज़्यादा हो गया है यार, लोग आते जा रहे हैं कसम से यार, ये तो बारी हमारी बहुत लेट आनी है कसम से। पहले भी आए हुए लेकिन काफ़ी रश है यहाँ पे, हर बार रश होता है यार, रश के बगैर ये जगह खाली नहीं होती, और लस्सी वगैरह को नहीं छोड़ते यहाँ पे, जब भी आ जाओ इतना रश होता है, और दो तीन घंटे में ख़त्म भी हो जाता है। ये तो है, अब दुआ करो कि हमें लस्सी मिल जाए, वरना हम तो हमारे पास तो दुआ वाला बंदा है ना, हुज़ैफ़ा खान, हुज़ैफ़ा खान लाइन में खड़े हुए रश में, और बस अभी ये काम हमारे लिए करेंगे हुज़ैफ़ा भाई। टाइम लगा दिए कसम से यार, कब से खड़े हुए यार, वो लस्सी काट ही नहीं हुई अभी तक, तो देखते अब क्या होता है यार। अब उसामा भाई भी आ गए तक के, और मैं तो खड़े खड़े हो के यार मेरे पाँव जवाब दे गए पूरी रात, मतलब इसी तरह जागते रहे लस्सी के लिए। अब देखते क्या होता है, आतिफ भाई भी साथ खड़े हुए, इंतज़ार ही कर सकते हैं और क्या। पिछले साल भी वाले से, पिछले साल हमारे पास वो हमारा वो जिगरी यार तला जान था, इस बार इधर खड़े हुए इस साइड पर, पिछली बार उस साइड पे खड़े थे, लेकिन यार पता नहीं इस लस्सी वाले में क्या है, हर रोज हर जगह हर बार भी जब आओ ना, एक तो बंदा नींद ही ना करके यहाँ पे आया, और ये देखो कितना फुल है, हम इधर साइड पे खड़े और हम हुज़ैफ़ा खान को जिंदाबाद कहते हैं, वो बेचारा आगे गया हुआ है हर बार, इस बार भी वो बेचारा आगे गया हुआ है लस्सी नहीं यार, हुज़ैफ़ा खान ने बैटरी फुल की है, बिल्कुल 100% बैटरी फुल है। अंदरून की गलियों का यही मज़ा है यार, ये देखो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, बस यही कचरा है इनकी खूबसूरती, अगर ये कचरा यहाँ से हटा देना तो फिर वो फील नहीं आएगा यहाँ का। तस्वीरें वगैरह खींची हुई है, फोटोग्राफी भी भाई करता है ना, तो बस तस्वीरें खींची बड़ी आला आला, क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अब सारे, और मैं तो यहाँ पे बाइक पे बैठा हुआ हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, सफ़र करो। ये देख लो यार मैं इधर बैठा हुआ हूँ, क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल पे, हुज़ैफ़ा के मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ हूँ, और अब उसका इंतज़ार है लस्सी का, लेकिन लस्सी आने का नाम नहीं ले रही, कह रही दलील करवा के आम में छोड़ेगी, लेकिन चलो खैर है, दलील करवा दे, अब क्या करें, अब इतने नींद ख़राब की हुई है हमने, सब कुछ ख़राब किया हुआ है, तो ये तो हो सकती, ये तो होगा उसमें। कैमरा रिजल्ट चेक करो यार, आप हमें एक दफ़ा बताओ कैमरे का रिजल्ट कैसा है, आला रिजल्ट है कि नहीं, ये कैमरे पे शूट हो रहा है आज, जो ब्लॉग है शुरू हो गया है, ऐसे कहते हैं लस्सी, और हुज़ैफ़ा भाई को आप देख सकते हो सामने, दलील ख्वार होते हो, हुज़ैफ़ा का यही काम है दलील ही होना, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा यार प्यारा भाई है वहाँ से सामने खड़ा हुआ है चुपके सबसे, और ये देख सकते हो की मुशक्कत रंग लेके आई है, हमें देखो लस्सी हमारी आ गई, दो तो आप नहीं पियेंगे आतिफ भाई, एक मेरा है, तो एक आपका एक मेरा वाला, हाँ मैंने कहा इस तरह इस तरह कर रहे मैं, अगर तो वो कबूतर वाली याद दोबारा ताजा हुई थी, अच्छा इस दोबारा पक गया था इधर पे ऊपर कबूतर ने यार, वो क्या कहते पख कहते हैं पख पक गए थे, हाँ जी पक गए, हाँ। और उसामा भाई कैसा है टेस्ट? ये टेस्ट तो बहुत आला है, लेकिन जलालत जितनी हुई है ना, जलालत हुई है वो
उससे काम खराब हो गया मेरा, तो दिल नहीं कर रहा अभी यहाँ ऑफिस आने का। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ना, भाई ज़्यादा था बहुत। मैंने पिछली बार ट्राई किया था, जबरदस्त टेस्ट था, इस बार फिर ट्राई करूंगा। चलो एक कर दो या मैं आप लोगों के लिए, चलो एक ट्राई कर लेता हूं। वैसा ही टेस्ट पिछले साल जब आया हुआ था उसी तरह का टेस्ट है, जबरदस्त। मेरा तो दिल करता है दोनों पी लूं। तो कर लिया टेस्ट आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार देख देना फिर, अभी हम इसके बाद वजीर खान जाएंगे और क्या कहते हैं ये दिल्ली गेट वगैरह, वहाँ पे भी शूट वगैरह करने हैं। पेने वगैरह आ गए अभी और एक ब्लेंडर भी हो गया, लस्सी गिरा दी यार वो, फिर मसला हो गया। अभी ये आ गए और अभी हम ट्राई करने वाले, बाद में आपको फिर बताते हैं। हाँ जेबा भाई, खाना कैसा था फिर यार? भाई अच्छा था, जैसे हमने ना लस्सी पी ली थी अच्छा तो नहीं किया था, लस्सी ज़्यादा हो गई। हाँ वो कितनी नहीं थी लेकिन टेस्ट अच्छा था। बाबर खाए वाले मटन चने वाले यार, असल के ना मेरा मैंने पी लिया, मुझे गैस हो गया यार। आपने लस्सी पी थी रात को, कहीं बर्गर भी खाया और सो गए हो? हाँ यही हाल था। सोए भी नहीं बल्कि जागते रहे हो, तो वो मशीनरी भी नहीं सही चली आपकी। ये बात लोग एडिट करते रहे, ये आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। दानिश बेचारे की तो एंड है ना, बाकी तो छोड़ नहीं है। पहले एक एक लफ्ज़ हटाता है हमारी जुबान के, जो हमने मुँह से निकाले होते हैं वो हटाता ही है। ये लोग गलत बोलते, ये लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करते, फिर यार हमारे लिए मुश्किल होता है ना उसको मतलब रिकवर करना। तो इस वजह से फिर हम फिर मेहनत ज़्यादा करते इसमें, तो बस आप मेहनत का नतीजा। तो इस वजह से यार लोग को लाइक और लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह हटा के यार आप हमारा दिल तोड़ते हो। दिल्ली गेट के पास आ गए और वो उजेपा और क्या कहते आतिफ भाई हमसे यार दोनों घूम गए, पता नहीं किधर गए यार। उसामा भाई हाँ जी, सफ़र कैसा रहा यार? सफ़र बड़ा मुश्किल रहा कसम से, मुश्किल रहा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई मतलब सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, तकलीफ सफ़र नहीं है जिसमें जिसमें सब्र ना हो, तो सब्र थोड़ी ना हो तो वो ना आए मेरे ख्याल से। उन लोगों का वेट करना हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि अब वो हमारे साथ ही है, हम कहीं जा भी नहीं सकते और तस्वीरें भी उन लोगों की खींचनी हमने। तो अब ये सब कुछ हो रहा है, अब देखते क्या होता है। रील वगैरह इंस्टाग्राम के लिए बनाने, तो आपको दिखाते हैं शॉट वगैरह अगर मैंने ले लिए यहाँ पर HHS और सिनेमेटिक शॉट, तो आपको लाजमी शेयर करूँगा। मस्जिद वजीर खान के पास आ गए और बड़ी अच्छी खूबसूरत मस्जिद, तारीखी मस्जिद है। आप लोगों ने विज़िट किया होगा अगर कोई बंदा लाहौर में रहता है तो। और बड़ी अच्छी जगह है, हमने नाश्ता भी वहाँ पे कर लिया था, आपको दिखा दिया था। और अभी यहाँ पे वगैरह रील वगैरह बना रहे इंस्टाग्राम के लिए। आतिफ भाई फिर जगह कैसी लगी मस्जिद वजीर खान? मस्जिद वजीर ये तो हमारे एक चाचू है, उसका नाम है वजीर खान। हमारे ये मैं इसको कहता हूँ यार हमारे चाचू का मस्जिद है। हम यहाँ पे इसको मैं वजीर खान वो अदब से बोलता हूँ, तो मैं चाचू का मस्जिद बोलता हूँ। ये उसका बंदा है वो बंदा क्या बोल रहा था वो जरा सुना ना, वो क्या कह रहा है? की टाइम हो गया? नहीं वो कह रहा था भाई टाइम की होया पुत्र, घर जाना हो गया चाचा जी ताके। अच्छा मैं घर जाओ, घर जाना टाइम हो गया। हमारे चाचू के नाम से भी है, चाचू से तुम्हारे बड़े हर दिल अजीज है, दिल के करीब है। वो लाजमी सी बात है, दादाबू की जगह पे हैं तो दिल के अजीज ही होंगे ना, दिल के करीब ही होंगे। रील्स वगैरह बनाना है, क्योंकि रील्स के बगैर हम आए हुए रील्स के लिए। आतिफ भाई यार, आतिफ भाई बहुत कह रहे बार बार कि आप रील्स नहीं बना रहे। वार भी मैं क्या यार, मेरे पास एक ही दो हाथ है दो पाँव है, मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब काम मेरे जिम्मे है डाला हुआ है आतिफ भाई ने, और एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं ही करना है। तो बस वो फिर मैं सब काम ये खुद करता यार, मैंने कहा ये सारा काम इसको दे दिया, मैंने कहा ये सब कुछ करते रहो, रेल बनाते रहो अपने इंस्टाग्राम के लिए। ये वो सुरजन सिंह, ये बड़ी मशहूर गली है पुराने लाहौर की। तो अब यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा घूम भी लिया है, रील्स वगैरह पे शूट्स वगैरह कर लिए यहाँ पर। तो बड़ी खूबसूरत गली है यार, बड़ी अच्छी लोगों ने बनाई। सामने बड़ा कैमरा पकड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, बड़ा भारी है यार। यकीन करिए थोड़ा सा समझ नहीं आती, बस ऐसे पकड़ा हुआ है। कोई बात नहीं यार, सीख लोगे। इसमें क्या है उदयपा भाई? जी भाई वीडियो वगैरह बना रही? हाँ आपने बनाई, मुआज ने बनाई है, आपने नहीं बनाई है, आपने एक बनाई है रील्स। ये उसामा डर रहा था अंदर, पहले उसामा को ले गया, फिर अपनी तारीफ, फिर आपकी भी तारीफ में आपकी बैठक में पिक स्टैंडर्ड लेकर वो लिखा हुआ है ना उन्होंने, अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो ऊपर से ऑर्डर करके लड़के नहीं चाहते हैं, बैल बचती है ऊपर से। अच्छा 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 फिर सिस्टम। और ये सात गली ना यहाँ पर भी बन रही हैं, चने यहाँ पर बनते हैं, चने यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर आगे देखते हैं। यार ये देख लो आप, ये सुजन सिंह की गली है, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा, लेकिन ऊपर बहुत रश है और बहुत ज़्यादा रश है। अभी इधर गली में काम भी हो रहा है और अभी हम देखते हैं यार निकलने वाले। उसामा भाई भी थक गए कैमरा पकड़ पकड़ के। चलो कोई बात नहीं, उसामा भाई आप फोटोग्राफर हो, कोई बात नहीं। ये
यार अभी बस हम निकलने वाले यार बहुत ज़्यादा आई हुई है कसम से, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए क्योंकि ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर आपको पता है हमारा काम कर नहीं चलता, हमारी यारी फिर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा और बस अभी घर निकलने वाले नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है यकीन करें, तस्वीरें और जो शॉर्ट्स वगैरह रील बहुत ज़्यादा बना बना के ना मांग के सूझ गई हमारी, और उसामा भाई हमारे खड़े हुए और बस भाई अल्लाह कहते हैं चलो अल्लाह हाफिज़ यार, बड़ा मज़ा आया आज और ज़रूर देखना ये ब्लॉग और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके अल्लाह हाफिज़।